इस वक्त 10:26 हो रहे हैं, यानी कि 10:30 बजने जा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त की अगवानी के लिए, ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त की तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत करेंगे, वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके पहले भी कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं अहमदाबाद में, लेकिन आज का ट्रंप का ये कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पर्सनल बॉन्डिंग जो देखने को मिली है ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच, इसके पहले भी 6-7 बार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ट्रंप हमेशा से ही ये कहते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं इंडिया आने को लेकर बेहद उत्साहित। सीधे रुख कर लेते हैं अशोक सिंघल का, एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेहद खास दोस्त ट्रंप के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और बिल्कुल, नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे अगवानी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, और गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचे थे, पूरा जायजा लिया उन्होंने मोटेरा स्टेडियम का, तमाम जहां जहां व्यवस्था, साबरमती आश्रम वो गए, जगह जगह पर जाकर के उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी करेंगे, उनके साथ रोड शो करेंगे, साबरमती आश्रम जाएंगे और फिर मोटेरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अब इस वक्त वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो दोनों नेताओं की अगवानी करने के लिए यहां पर बेचैन हैं, उत्साहित हैं कि उन दोनों नेताओं को देखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे स्वागत करेंगे आप सर? पहले तो गरबे से स्वागत करेंगे, क्योंकि गुजरात में आ रहे हैं हमारे ट्रंप सर। आए हैं, आए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कैसे गरबा, कैसे डांस, ये लोग पब्लिक जो आई है देखने के लिए यहाँ गरबा करके दिखा रही है, क्योंकि गुजरात में गरबा जो भी खास ओकेजन होता है गरबा, लोग रंग बिरंगे छाते लेके, टोपियां पहन के, आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे उत्साहित है लोग, कि नरेंद्र मोदी उत्साहित है अपने दोस्त का वेलकम करने के लिए, लेकिन आम पब्लिक उत्साहित है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए। सुबह से लगातार सड़कों के किनारे पे भारी भीड़ जमा है, यहाँ लोग बेचैन है अपने दोनों नेताओं का, दोनों जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रधानमंत्री, उनकी अगवानी करने के लिए, उनको, उनका अभिवादन करने के लिए नमस्ते ट्रंप करके इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है, जो गुजरात में नरेंद्र डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो उसको देख कर लेकर के पूरी तैयारियां हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स है। लेकिन अभी रास्ते, जैसे पहले मैंने बताया था, अभी आम ट्रैफिक आवाजाही पहले की तरह है, बिल्कुल पूरी की जा चुकी है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अशोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आज का ये मौका बेहद खास, क्योंकि हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों ही देशों का जो जलवा हम सब ने देखा था ट्रंप की मौजूदगी के बीच, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई थी। आज जब दोनों नेता हिंदुस्तान की धरती पर एक साथ होंगे, तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। साबरमती आश्रम हम चलेंगे, हमारे साथ गोपी घांगर जुड़ चुकी है, लेकिन उसके पहले गुजरात की बेटियां बहुत देर से यहां पर भी मेरे साथ इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले वो कुछ गाकर सुनाना चाहती है, क्या गाना चाहती है आपको बताइए? एक गरबा गाएंगे, राधा का सॉन्ग। गोरे राधा ने काड़ो कान, गरबे घूमे बोली पान, राधा नो रूप छे, कानूड़ा ने प्रीत छे, मैदान गोरी राधा ने काड़ो कान। राधा का गाना ये लोग सुना रही हैं, ऐसे और भी हम सुनते रहेंगे, इनकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले साबरमती आश्रम चलते हैं। सीधे हमारे साथ गोपी घांगर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, क्या जानकारी और देंगे हमारे दर्शकों को? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट स्वागत के लिए, साबरमती आश्रम में भी अब इंतजार बस किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल चित्रा, गांधी आश्रम के बाहर भी चहल पहल शुरू हो चुकी है। पुलिस जो है, पुलिस ने अब जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे, उन्होंने ट्रैफिक को यहां से रोक दिया है। अब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पे पहुंचेंगे तभी यह ट्रैफिक खुलेगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे बच्चे, और चित्रा मैं आपको एक बात बताती हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचे थे शी जिनपिंग के साथ, तो हमने वो तस्वीर देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूले पे झूले थे, और झूले के साथ
वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उसके बाद जब शी जिनपिंग यहाँ पे पहुंचे तो वो एक ट्रेडिशनल गुजराती कपड़े पहनकर यहाँ पे आए थे, और उसके बाद जब यहाँ पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे नेतन्याहू, तब यहाँ उन्होंने यहाँ पे पतंग उड़ाई थी। तो आज उस तस्वीर का इंतजार है जो कल पूरी दुनिया की हेडलाइन बनेगी, क्योंकि वो तस्वीर देखने मिलेगी जो पूरी दुनिया के लिए काफी खास होगी। जब हमने देखा हाउडी मोदी में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, लेकिन अब जो गुजरात में ये तस्वीर, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके डील नहीं होगी, लेकिन वो तस्वीर आज पूरी दुनिया की, कल जो सुबह की तस्वीर होगी, सभी अखबार, किसी भी टीवी चैनल, हर किसी की जो हेडलाइन होगी वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर होगी। हमारे साथ कुछ बच्चे है यहाँ पे, उन्होंने गाना बनाया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप बताइए कौन सा आपने बनाया है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 ट्रंप जी स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। बिल्कुल यहाँ पे स्वागतम स्वागतम के साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जोश काफी बना हुआ है। लेकिन चित्रा, जो तस्वीर है गांधी आश्रम में बनेगी वो काफी बेहद खास होगी, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी के साथ जो चरखा रखा गया है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस चरखे को घुमाएंगे, जो सूत उससे काटा जाता है वो करके दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा था कि जितनी भी बार शी जिनपिंग हो या शिंजो आबे हो या फिर इसराइल के प्रधानमंत्री हो, जब भी वो गांधी आश्रम में पहुंचे तो गांधी आश्रम में उनके गाइड के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। तो यहाँ पे एक पूरा रिवर फ्रंट के साइड पे गांधी आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे पर है, वहाँ पे रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, ये वो रिवर फ्रंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास का सपना देखा था और विकास पुरुष के तौर पर उनकी जो छवि उभर कर आई थी, वो इसी रिवर फ्रंट और उसके आसपास के इलाके को डेवलप करके था। आज भी वहां पे गांधी आश्रम में पहुंचेंगे, गांधी आश्रम से रिवर फ्रंट को दिखाया जाएगा, और खास तौर पर गांधी आश्रम की जो विजिटिंग बुक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। चित्रा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गोपी आप दे रही हैं। देखिए, एक तरफ गुजरात की 26 लोकसभा सीटें जब पूरे गुजरात के लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे देते हैं लोकसभा में, और देश में 303 सीटें अकेले बीजेपी को मिल जाती हैं, तो जिस प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार बनवाई, हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे उसका भी वेलकम करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की थी, बधाई दी थी और कहा था कि अमेरिका के साथ एक अलग तरह के रिश्ते की अब शुरुआत होगी। उनको भी ये बात पता है क्योंकि 125 अरब की आबादी वाला ये एक बहुत बड़ा मुल्क, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, वहां पर उनका इस्तकबाल किस तरह से होने वाला है, इसी को लेकर बार बार वो अपनी उत्सुकता भी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें 19 मिनट पहले जिस ट्रंप के जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रही हूं, 19 मिनट हो चुके हैं, हम भारत आने के लिए तत्पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदी में लिखा है, हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सब मिलेंगे, और अब तक 34,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, 9,000 से ज्यादा रिट्वीट किए जा चुके हैं, 7,000 से ज्यादा लोग लगातार इसमें कॉमेंट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा भारतीय हैं जो लगातार वेलकम ट्रंप लिखकर ट्रंप का स्वागत करने के लिए यहां पर अपनी उत्सुकता उत्साह उमंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां जो लगातार गाने भी गुनगुना रही हैं और अब अपनी परफॉर्मेंस करेंगी। क्या दिखाने जा रहे हैं आप लोग? डोनाल्ड ट्रंप का जब काफिला यहां से गुजरेगा तो कौन सी परफॉर्मेंस होगी आप लोगों की? हम लोग यहां पर गरबा करने वाले हैं, जो मोदी सर को बहुत ही बहुत वो लाइक करते हैं गरबा को, तो हम चाहेंगे कि एक बार परफॉर्मेंस दिखाइए, हालांकि नवरात्रि में किया जाना, मैं चाहूंगी दिखाइए आप लोग करके गरबा एक साथ जैसे आप लोगों को करना है, हालांकि नवरात्रि में अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि गरबा की धूम अभी से देखी जा रही है, और ये अक्सर होता है, हम सब ने देखा है, ये अक्सर होता है जब जब कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष, जब दूसरे मुल्क का कोई बड़ा सेनापति हिंदुस्तान आता है तो उसके स्वागत के लिए किस तरह से गरबा किया जाता है, आप लोग शुरू हो जाइए करिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।